पब्ली आंटी ऐसे गैस पे कुकर रख कर नहीं जा सकती। इसका मतलब पब्ली घर पे ही है। जीत, आंटी मुझे पता है कि आप हमसे बहुत गुस्सा हो। आंटी पापा ने जो भी बोला वो गुस्से में बोला था, उन्होंने जीत भैया पे कभी भी शक नहीं किया था, और इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं ये टेप दिखाने। बबली जी, मैं खुद भी आपसे माफी मांगता हूँ। जीत, मेरा तुम पर शक करने का कोई इरादा नहीं था भाई, आप लोग ही तो हो जो शुरू से हमारे साथ हो। आंटी आप तो मेरी मम्मी जैसी है ना, मुझे माफ नहीं करेंगी। अच्छा ठीक है, आप बताइए मैं ऐसा क्या करूं जिससे हमारे बीच में सब ठीक हो जाए। कुछ नहीं, कुछ करने को है ही नहीं, ना ही कुछ बोलने को है। मैंने जो बोलना था उस दिन बोल दिया, अब इस केस में बस इतना ही। आंटी प्लीज, आपको हम पे भरोसा तो है ना, प्लीज बोलिए। मैं कसम खाती हूँ आज के बाद हम में से कोई भी कभी शक नहीं करेगा। उसकी जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि तुम या मौसा जी हम पर शक नहीं कर रहे थे, अगर कर भी रहे थे तो बस हमें ये बात समझ में आ गई है कि हमारी औकात ही नहीं है लड़ाई लड़ने की, नहीं लड़नी है हमें, इसलिए हम बाहर ही चंगे हैं। बबली जी, मैं फिर से आपसे नहीं। पापा, इन्होंने फैसला कर लिया है, चलिए सर। वो राधा मैम अभी तक दरवाजा नहीं खुल रही है। क्या हुआ, आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रही इतनी देर से? देर से? मैंने तो अभी सुनी खटखट। हमने आपको आपकी दीदी के यहां इसलिए भेजा था ताकि आपकी तबीयत में कुछ बदलाव आए। अगर मुझे कुछ हो गया तो हम जानती का ख्याल रखेंगे। आपको कुछ नहीं होगा। रखेंगे ना? कुछ नहीं होगा भाई। रखेंगे कि नहीं? यार आप जानते हैं हमारा जवाब। हमारी बेटी है जानवी, जान है वो हमारी, लेकिन वो नफरत करती है आपसे। क्या मतलब? दीदी ने कहा है कि वो हमको ले जाएंगी। जानवी को घूमना बहुत पसंद है ना, शिप से जाएंगे,
पूरी दुनिया की सैर कर ले। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं और आप क्या जवाब दे रही हैं? भाई साहब आप लोग, नमस्ते भाई साहब, कभी आए? क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे हम जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं? मां, मैं जानता हूं मैं अब रचना का वकील नहीं बन पाऊंगा, लेकिन क्या हम उनके परिवार का हिस्सा बनके उनकी मदद भी नहीं कर सकते? मां, क्या इस दोष के साथ हम जी पाएंगे? नहीं, नहीं जी सकते पुत्र। हद कर दी तुम लोगों ने जी, तूने कैसे होने दिया ये सब? शर्म नहीं आई तुम दोनों को? नहीं आई शर्म? हमने देखा था ना, देखा था ना, मरने के बाद उसके माँ बाप उसकी शक्ल भी नहीं देख पाए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वालों के साथ वही हाल हो। अब कहते हो ना हद कर दी मैंने? हाँ, हद कर दी मैंने, क्योंकि ये ही हमारी हद है। इससे और ज्यादा देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। कल राशि थी, उसकी जगह जीत होता तो कंजर ठकराल, वो तो पत्थर है, पत्थर। मैंने देखा उसने कैसे राशि के ऊपर मशाल फेंकी थी। वो जल रही थी, वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तू देखे सी उसे? ठकराल ने ये सब किया? तूने ये सब देखा? और तूने पुलिस को कुछ नहीं होता? वहां बिचारी रचना परेशान है कि कोई एक गवाह मिल जाए इस केस में, और तू चुप बैठी है। कह रहा था कि उसने बात की है अमेरिका में पुलिस से, उन्होंने अनु को ढूंढने के लिए एक अलग सी टीम बना दी है। बस अब जल्दी से अनु को ढूंढ लेंगे वो लोग। तू जा, अंदर जाके थोड़ा आराम कर ले। रचना, जीत भैया ने चिट्ठी भेजी है तुम्हारे नाम। जीत ने? मैजिस्ट्रेट माथुर बहुत ईमानदार और सच्चे जज हैं, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। समस्या यह है कि वो आज दोपहर को ही विदेश जा रहे हैं। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाई, तो मैं कहूंगा कि तुम लोग सीधे दिल्ली चले जाओ टेप्स लेकर, पर दोपहर से पहले पहुंच जाना। एड्रेस नीचे दिया हुआ है। ऑल द बेस्ट जीत।
नहीं मिला ना तो दिल्ली 11 बजे तक पहुंच जाए। आई होप हम टाइम से पहुंच जाए। वो ये ट्रैफिक को भी है ना आज ही के दिन होना था। पता नहीं कितनी देर लगेगी यहाँ पे। 10:30 ऑलरेडी हो गए, हम कैसे पहुंचेंगे 12 बजे तक? पापा हम कैसे पहुंचेंगे? ये भी किसी की चाल है ताकि हम लोग लेट हो जाए। अरे मोहित, यहाँ सारे परेशान हैं और ऐसा बिना वजह किसी को दोष नहीं दे सकते। अरे अंकल, लेकिन इस कंट्री में किसी को ट्रस्ट ही नहीं कर सकता, सब लोग चोर हैं, ऐसा सिर्फ इसी देश में हो सकता है। सिड, वो यहाँ भी पहुंच गया। सिड, पाप, सिड, अरे रसना जी, आप यहाँ? सिड, हाँ। आप लोग यहाँ कैसे? अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं, बस कहीं नहीं, बस ऐसे ही हम लोग यहाँ। अरे अरे कुछ मत बोलो। मोहित एक मिनट, सिड, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। रुको रुको, मैं फोन करती हूँ, फोन। सिड, मुझे जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुँचना है। लेकिन लेकिन जाम बहुत लंबा लगा हुआ है, आप लोग निकलेंगे कैसे बाहर? हाँ, लाइन तो लंबी है लेकिन। रचना कुछ मत बोल, मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। मोहित संभालो, तुम कैसे उतरोगे, गाड़ियां लगी हुई है। प्लीज उसको कुछ मत बोलना, प्लीज अर्चना। मोहित एक मिनट रुको प्लीज। हाँ सिड, वो क्या रचना जी, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हाँ, ये टेप हम सिड को दे देते हैं, अगर वो ले जाए तो। नहीं बरू, टेप सिड को मत देना, मैं जानता हूँ मजिस्ट्रेट के पास टेप लेके नहीं जाएगा। मोहित तुम एक मिनट चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ। सिड एक्चुअली ये एक टेप है जो दिल्ली पहुँचाना है बहुत जल्दी मजिस्ट्रेट अंकल के पास, 12 बजे से पहले, नहीं तो वो निकल जाएंगे, बहुत अर्जेंट है। मिस रचना, अगर आप हम पे भरोसा करें तो हमें काफी अच्छा लगेगा। और फिर आप फिक्र मत कीजिए, ये टेप हम पहुंचा देंगे। और फिर हमारे पास तो बाइक है, हम तो कैसे भी निकल जाएंगे आगे, आप फिक्र मत कीजिए। तुम मेरी बात मानो, वो पीछे ऐसे भी फंसा हुआ है, वो कैसे जाएगा? मोहित एक मिनट रुक जाओ प्लीज। मोहित वो बाइक पे है और इस ट्रैफिक से वो जल्दी निकल सकता है और हमसे पहले पहुंच जाएगा वो। रचना वो नहीं लेके जाएगा। मोहित एक मिनट। हेलो सेड, मैंने इस पे एड्रेस लिख दिया है, ये टेप रिकॉर्डर के अंदर एक टेप है जो उनको सुनाना है। आप टेप भेजिए मेरे पास, टेप भेजिए। रचना तुम सोच क्या रही हो, मत दो टेप प्लीज। ठीक है मैं देती हूँ। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, वो टेप लीजिए मैडम से जरा। मैं पास करवाता हूँ। अंकल प्लीज। मोहित तुम समझ नहीं रहे हो, हमारे पास कोई चारा नहीं है, कम से कम सिद्धार्थ टेप पहुंचा के वहां से फोन तो करवाएगा। नहीं पहुंच जाएगा, उसे कहना मैं यहां से पास करवा रहा हूं इस गाड़ी से। जी आप फिक्र मत कीजिए, टेप मिल गई हम लोगों को। ला ला मुझे फोन दे रहा। हाँ सिद्धार्थ, हमारे पास अभी भी 1 घंटा बचा हुआ है, तुम प्लीज मैजिस्ट्रेट तक किसी भी हाल में पहुंचा देना। हम पहुंचा देंगे, हम पहुंचा देंगे। पहुंचा तो देगा लेकिन किसके हाल में ये पता नहीं। तुमने सुना क्या है इसमें? जी सीधा आप ही के पास ला रहा हूं सर। लगाओ। हमने एक छोटा सा प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव?
उसको मारकर दलदल में फेंक दिया। राशि मैडम, पूरे जिले के पुलिस स्टेशन में चक्कर लगाओ और दिल्ली की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे पर ठोकर मारो, तब भी राशि की मौत का केस कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं लिखेगा। तुम घबराए हुए से लग रहे हो ये सब सुनकर। जी नहीं, बिल्कुल नहीं सर, हम तो बस वो हमारा मतलब है कि ये सब तो करना ही पड़ता है। अच्छा क्या बता, इनमें से कौन सी बंदूक पसंद है तुम्हें? हमने वादा किया था कोई भी ले सकते हो, बोलो। जी जी वो बीच वाली। जी नजर अच्छी है तुम्हारी। की खासियत क्या है? एक गोली और खेल खत्म हमेशा के लिए। तुम हमारे बहुत नजदीकी हो गए ये सब सुनने के बाद, नहीं बच्चा सिंह? जी दोस्त। और किसी नए आदमी की नजदीकी बहुत जोखिम की बात होती है, ऐसा करने वाले को बहुत सावधान रहना पड़ता है, पूरा भरोसा होना चाहिए, फुल फेथ। विज्ञान का एक बहुत पुराना सिद्धांत है जो मैंने कभी सुना था। ये कहता है कि कभी कभी धरती के एक कोने में बैठी एक छोटी सी तितली के पंख फड़फड़ाने से भी धरती के दूसरे कोने में भूकंप आ सकता है। ये विचार ही मुझे बहुत जादुई लगा था। पता है क्यों? क्योंकि ये कितने आसान शब्दों में कह जाता है कि पूरी दुनिया, पूरी मानवता एक ही धागे से जुड़ी है। आप जो भी करते हैं उसका फल मीठा या कड़वा या खट्टा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो मिलना ही है। तो क्या ये कारण काफी नहीं है ये तय कर लेने के लिए कि हमें अपना हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।